गुलाम अली को लेकर जिस तरीके से हुआ, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको ऑफर किया कि आप दिल्ली में कीजिए, ममता बनर्जी ने कोलकाता में ऑफर किया और गुलाम अली जी ने एक्सेप्ट नहीं कर लिया। नहीं, ये जो लोग हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो या केजरीवाल हो, वो तो गुलाम अली के बहाने वोट बैंक की राजनीति करने जा रही है। राष्ट्रपति जी ने जो कहा है कि धर्म की राजनीति मत करो, गुलाम अली जी बहुत बड़े कलाकार है, उनकी कला के बारे में हमें कोई कहना नहीं है, लेकिन हमारा झगड़ा जो है पाकिस्तान के साथ है और वो रहेगा जब तक पाकिस्तान हमारे देश में जिस तरह की आतंकवादी हरकतें करती है, समर्थन देती है आतंकवादियों को, निरपराध लोगों को मारती है, जवान हमारे मर जाते हैं, तो जब तक वहाँ से बैठकर वो हफीज सईद और उनके डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश पर परमाणु बम डालने की भाषा करती है, तो ये हम कैसे सहन कर सकते हैं। तो क्रिकेट हो या कला हो, संस्कृति हो, व्यापार हो, पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं रखने चाहिए, यही हमारी मांग है। ये केजरीवाल जी या ममता बनर्जी, वो अपने अपने राज्य के वोट बैंक की चिंता करते हैं ना, वो उसके पाकिस्तान के साथ मत जुड़िए। देखो ये क्या है, गुलाम अली हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, शिवसेना देश भावना के साथ जुड़ी है, ये देश की भावना है। अगर केजरीवाल जी और ममता जी को देश की भावना नहीं समझते तो मुझे लगता है ये देश का दुर्भाग्य है।